हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को यहाँ पे केमिस्ट्री के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। तो यहाँ पर हमने चैप्टर लिया है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ एन एलिमेंट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग। ऑप्शन इज गिवन स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिमेंट, ऑप्शन बी पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड ऑप्शन सी साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड ऑप्शन डी वैलेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ फोर्स दैट होल्ड्स ए पेयर ऑफ एटम टुगेदर, दैट इज पोलरिटी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड मेथिल अल्कोहल टू अ गैस। ऑप्शन ए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ऑप्शन बी कोवेलेंस बॉन्ड्स, ऑप्शन सी लंडन डिस्पर्सन फोर्स, एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिथेनॉल कैन अंडरगो इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज द ओएच ग्रुप इन अल्कोहल्स इज हाईली पोलराइज्ड। एज अ रिजल्ट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट लिक्विड मेथिल अल्कोहल टू गैसेज स्टेट द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स मस्ट बी ब्रोकन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे कॉर्डिनेट नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन हैव इज। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, एंड ऑप्शन डी 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज 4। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम बाई कोवेलेंट बॉन्ड्स। बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टूगेदर बाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन दिस अरेंजमेंट each oxygen is tetrahedrally surrounded by 4 hydrogen atom, 2 bicovalent bonds and 2 hydrogen atoms. So option B is the right answer, that is 4. Move to the question number next. Unusual high boiling point of water is result of. Option A intramolecular hydrogen bonding, option B intermolecular hydrogen bonding, option C both intra and intermolecular hydrogen bonding, and option D is high specific heat. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन H2O इट्स मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अनयूजुअल हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी 0, एंड ऑप्शन सी 2, एंड ऑप्शन डी 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन ऑफ C2 इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2pyx2। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 Nb माइनस Na। तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 - 4 इज इक्वल टू 2। तो आप इसे करेंगे तो 2 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट है, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 6, H2O इज पोलर whereas BF2 is not, because. Option A, electronegativity of fluorine is greater than oxygen. Option B, H2O involves hydrogen bonding whereas BF2 is discrete molecule. And option C, H2O is angular and BF2 is linear. And option D is given, H2O is linear and BF2 is angular. Option C is the right answer, that is H2O is angular and BF2 is linear. Because of linear shape, dipole moments cancel each other in BF2 and thus it is non-polar, whereas H2O is V-shaped and is it polar. Question number 7 and last, which one of the following species does not exist under normal condition? Option A, B2+, option B, Be2, option C, B2, and option D, Li2. Option B is the right answer, that is Be2. Be2 does not exist. B2 has an electronic configuration of sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. इसलिए bond order is equal to 4 - 4 is by 2, तो equal to इसे करेंगे तो 0 आएगा, thus B2 does not exist. तो option B यहाँ पे is right answer. और guys ये थे आज हमारे 7 important question. question की practice कर लीजिएगा, और question में कोई भी doubt हो तो आप लोग comment में पूछ सकते हैं. thank you so much, मिलते हैं अगली video में, तब तक के लिए bye bye.